नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग टर्म्स लाइक एटीट्यूड फ्रस्ट्रेशन मॉरल प्रोडम एप्टीट्यूड कॉन्फ्लिक फर्टिक यू और मोनोटोनी इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सब्जेक्ट कोड है पी डी आई एस वन जीरो वन सेफ्टी मैनेजमेंट इसी के बारे में आपको साथ साथ ए डी आई एस कोर्सिस और डी आई एस कोर्सेज के अंदर भी इसके बारे में या तो कोई भी सेफ्टी कोर्सेज होगा उसी में इसके बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड एक्सप्लेन रोल ऑफ द साइकोलॉजिकल फैक्टर इन एक्सीडेंट कोजन इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है तो हम लोग इसमें अलग अलग जो एटीट्यूड एप्टीट्यूड फ्रस्ट्रेशन कॉन्फ्लिक्ट मॉरल और फटेक्यू बोर्डम मोनाटोनी जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीट्यूड देखें तो एटीट्यूड के अंदर क्या क्या हो सकता है इट मींस द Way that we think and feel about certain things. It means how we think about certain things. It means predispositions about certain things of people. It is a frame of reference with affect our opinion. Youth is an attitude of mind, it is kind of mental set. Aptitude deke to. it means. In इंटरेस्ट और एबिलिटी और फिटनेस और सर्टेन स्किल ऑफ और एक्शन वर्कर्स नीड प्रॉपर एंड पॉजिटिव एप्टीट्यूड टोवर्ड्स वर्क एंड सेफ्टी यानी कि एप्टीट्यूड जो है वो वर्कर्स का बहुत ही जरूरी है कि उसका प्रॉपर और पॉजिटिव एप्टीट्यूड के अंदर रहे ताकि जो काम हो और वो सेफ्टी से हो इफ़ द वर्कर्स डोंट हैव इंटरेस्ट इन सेफ्टी दे मे कोज एंड एक्सीडेंट यानी कि वर्कर्स को जब भी सेफ्टी के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है और उसका एप्टीट्यूड एटीट्यूड बिहेवियर जो लूज होता है जो डाउन होता है इसकी वजह से उसके रीजन से उसका कोज की वजह से एक्सीडेंट अकर्स हो सकता है इट क्लासीफाइड इंटू फाइव कैटेगरीज यानी कि उसको पांच कैटेगरी के अंदर फाइव नंबर कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें हो सकता है मेंटल एबिलिटीज़ यानी कि उसका माइंड जो है वो सेटअप न होना मशीन और मैन रिलेटेड स्किल यानी कि जो काम करने के लिए जो पीपल्स वर्कर्स जो आया हुआ है उसके पास जो मशीन का काम करना है उसके रिलेटेड उसके पास स्किल ना होना उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है विजुअल स्किल और डीप विजन नहीं होना स्पेशलाइज एप्टीट्यूड और स्किल और स्किल एंड स्पेशलाइजेशन एरिया फिफ्थ साइकोमीटर एबिलिटीज मस्कुलर एबिलिटीज का प्रॉब्लम होना फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो इट मीन्स डिफीट डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज ऑफ फेल्योर इंटरप्शन इन एचिविंग गोल यानि कि गोल जो अचीविंग करने में इंटरप्शन आना इट इज ए फीलिंग बर्न आउट ऑफ कंटिन्यूस फेलियोर इट मीन्स इन एबिलिटी टू चेंज सिचुएसन इन आवर ओल ऑन फेवर इट इफेक्ट आवर थिंकिंग पावर अलर्टनेस एंड देयर बाय कोजिस कॉन्फ्लिक का बात करें तो इट मीन्स एन अपोजिशन और ऑब्स्ट्रक्शन बिटवीन टू कोर्सेस वन हैज़ टू परच्यूर एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक कैन बी बिटवीन टू पर्सन टू आइडियाज़ एंड टू इंस्ट्रक्शंस यहाँ यहाँ जो मुश्किलें जनरेट होता है क्रिएट होता है वो दो लोगों के बीच मिसकोम्युनिकेशन प्रॉपर ना कम्युनिकेशन दो आइडिया होना दो साइड से इंस्ट्रक्शन आना उसकी वजह से ट्रेजेडी जो है डिफ़िकल्टी जो है कॉन्फ्लिक जो है वो जनरेट हो जाता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन कैन लीड टू निग्लेक्ट ऑफ वन और बोथ बाई वर्कर्स एंड इट मे कोज एन एक्सीडेंट यानी कि कोज एन एक्सीडेंट का जो रीजन है वो कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है उसको निगलेक्ट करने की वजह से हो सकता है एक या दो लोगों का अलग अलग इंस्ट्रक्शन की वजह से वर्कर जो है वो उसको निग्लेक्ट करता है सुनता नहीं है या तो वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि किसका सुने हम तो उसकी वजह से एक्सीडेंट को आकर्ष हो सकता है इट मीन्स वायलेंट मेंटल स्ट्रगल यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मेंटली स्ट्रगल वो वायलेंट कर जाता है इट रिड्यूसेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट एराइजिस बिकॉज ऑफ जियोलॉजीज बेड बिहेवियर फेवरेटिजम वर्किंग कंडीशन और एनवाइ एटसेट्रा मॉरल की बात करें तो इट मींस इथिकल वैल्यूज एंड लॉयल्टी टूवर्ड्स वर्क यानी कि वर्क का वजह से मॉरल इम्प्रूवमेंट करने के लिए इथिक वैल्यू लोगों का होना चाहिए उसको लॉयल्टी भी मिलना चाहिए इट मींस हाई वैल्यू ऑफ लाइफ यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन लाइफ का वैल्यूएशन जो है उसको हाई रखना है एंड टीम स्पिरिट ऑफ ए ग्रुप यानी कि टीम में काम करना है तो एक ग्रुप को स्पिरिट रखना है इट मींस एन एक्सटेंटन टू वीच ए पर्सन फील सेटिस्फाइड विथ हिज नीड्स दैट कम फ्रॉम हिज टोटल जॉब सिचुएशन जॉब सेटिस्फेक्शन यानी कि इसकी वजह से जो मॉरल अच्छा रहेगा तो सेटिस्फाइले जॉब हो सकता है और जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए सिचुएशन भी हमें ऐसा क्रिएट करना है हाई मॉरल मीन्स हाई सेफ्टी यानी कि हाई मोरल रहेगा हाई मोरल से लोग काम करेंगे तो सेफ्टी भी हाई रहेगा हाई क्वालिटी मिलेगा हायर आउटपुट मिलेगा एंड बेटर हेल्थ ऑफ वर्कर यानी कि वर्कर का हेल्थ जो है वो आफ्टर ऑल बेटर रहेगा और आफ्टर आउटकम ऑफ द रिजल्ट इज प्रोडक्टिविटी इज हाई क्वालिटी इज हाई फटिक्यू की बात करें तो इट मीन्स एप टायर्डनेस यानी कि एबनॉर्मली टायर्डनेस होना इट मीन्स रिडक्शन इन एबिलिटी टू वर्क यानी कि जो वर्कर्स का एबिलिटी जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है इट मीन्स डिक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ द वर्कर टू द वर्क और लॉस ऑफ इट्स एफिशेंसी इट डिक्रीजिज विच विलिंगनेस टू वर्क इज इंटरेस्ट इन वर्क रिड्यूस यानी कि उसको काम करने का इंटरेस्ट नहीं रहता है इट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिन इट इज ए मेजर थ्रू इर्गोग्राफ स्टडी बोर्डम की बात करें तो इट इज ए साइकोलॉजिकल फीलिंग लाइक मेंटल डलनेस यानी कि साइकोलॉजी फीलिंग जो करता है उसकी वजह से उसका मेंटल जो है वो डलनेस हो जाना इट इज ए क्रिएटेड बाई डूइंग जॉब ज नॉट हैव ए वर्क चैलेंजिस इट इज अफेक्ट हिस्स थिंकिंग पावर एंड अलर्टनेस इट क्रिएट्स हायर चेंजेस ऑफ एक्सीडेंट यानी कि इसकी वजह से एक्सीडेंट का चेंजेस जो है वो हायर है क्रिएट हो जाता है बोर्ड पर्सन रिक्वायर्ड चेंज फ्रॉम हिस्स रूटीन वर्क एनवाइ एंड रूटीन कंपनीज ऑफ फिक्स मेंबर्स रिपीटेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ वर्क फॉर लॉन्ग टाइम यानी कि जो लॉन्ग टाइम काम कर रहा है उसको रिपीटेड नहीं करना है उसकी वजह से भी बॉर्डम जनरेट हो जाता है वो तो बॉर्डम अकर्स हो सकता है स्पिरिट इज विलिंग टू वर्क बट मस्क्यूल रिफ्यूज टू वर्क मोनाटोनी इट मीन्स डूइंग ए जॉब रिपीटेटिवली फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी कि लॉन्ग टाइम लोगों के पास एक ही जॉब रिपीट 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 करवाना इट इज ए मेंटल फिनोमिन उसको मेंटली इफेक्ट इसकी वजह से हो सकता है इट इज ए फेल्ट ड्यूरिंग द मिडल पीरियड ऑफ वर्क एंड डिस एंटिसिपेशन ऑफ द एंड पीरियड थैंक यू दोस्तों